दी। आज हम तंत्र में प्रयोग होने वाली उन लकड़ियों के बारे में आपको जानकारी देंगे जो अलग अलग प्रकार के अभीष्ट कार्यों की सिद्धि के लिए प्रयोग की जाती है। वैसे भी हमने आपको बताया था कि हम कुछ समय में जो है हवन किट लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन उनसे पहले यदि हवन में प्रयोग होने वाली लकड़ियों के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे हवन करोगे, किस कार्य की पूर्ति के लिए, किस अभीष्ट कार्य की प्राप्ति के लिए कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है तंत्र में, कौन से अधिष्ठित देवी देवता का किस लकड़ी पे वास होता है और उन लकड़ियों को किस प्रकार से तांत्रिक रिचुअल्स में आप प्रयोग कर सकते हो, कुछ लकड़ियां हमने एकत्र की हैं जिनकी हम आपको पहचान करवा सकते हैं। हम स्टार्टिंग करते हैं आम की लकड़ी से, जो कि इजीली लोगों के घरों के आसपास आपको आम का पेड़ मिल जाता है। अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए, ज्यादातर वैष्णव जन की पूजाओं के लिए, वैष्णव पूजाओं के लिए, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के आराधना की पूजा के लिए और भगवान श्री कृष्ण की आराधना की पूजा करने के लिए, नवदुर्गा जो देवियां होती हैं उनकी आराधनाओं के लिए, उनके हवन के लिए ज्यादातर आम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कुछ अभीष्ट कार्यों की सिद्धि, क्योंकि हवन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मीठा एक होता है कड़वा। जो मीठे हवन में जो प्रयोग होती है ना उसमें प्रयोग होते हैं ज्यादातर आम की लकड़ी। मीठा हवन जो प्रयोग होता है वो होता है घर में सुख समृद्धि संपन्नता लाने के लिए, पुष्टि करने के लिए मीठा हवन प्रयोग किया जाता है। और उसके लिए आम का जो फल होता है वो होता है खट्टा, लेकिन वो मिठास भी लाता है। आम को रसाल भी बोला जाता है, फलों का राजा बोला जाता है, और जीवन में मिठास लाने के लिए भी आम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो हवन में मीठा और कड़वा दोनों ही संप्रदाय में होता है, चाहे कोई वैष्णव संप्रदाय हो, वाम संप्रदाय हो या फिर अघोर संप्रदाय हो, कोई भी हो, मीठा हवन जो किया जाता है अर्थात जो देवत्व पुष्टि के लिए किया जाए, लोगों के भलाई के लिए किया जाए, लोगों के संतान प्राप्ति के लिए, लोगों के लिए कोई सुख समृद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, कला की प्राप्ति के लिए, किसी भलाई के लिए, तो वो मीठे हवन में आम की लकड़ी का प्रयोग होता है। वहीं अगर वैष्णव संप्रदाय में कड़वा हवन अगर किया जाए, जो अगर मान लीजिए कि किसी ने कोई तंत्र बाधा काट के लिए अगर कोई हवन करवाता है, या घर में अगर किसी के राहु केतु या कोई दुष्ट ग्रह अगर जीवन में बाधा देता है, या फिर किसी के घर में कोई प्लैनेट बिगड़ गए हो, किसी का शुक्र खराब हो गया हो, तो उनके लिए ज्यादातर लोग मतलब कड़वा हवन करवाते हैं शत्रु बाधा के लिए या पॉलिटिक्स में विजय प्राप्त करने के लिए। जो वैष्णव संप्रदाय से करवाते हैं वो कड़वे हवन का प्रयोग करता है। कड़वे हवन में हमेशा जो प्रयोग होती है जो लकड़ियां वो होती है ज्यादातर बेरी की लकड़ी की, जो बेरी का जो फल होता है ना, बेर का जो फल होता है, बेर की लकड़ी का प्रयोग होता है। तीसरा जो होता है, अगर मान लो किसी के घर में रोग शोक अधिक है, रोग भी अधिक रहता है और शोक भी अधिक रहता है, शोक होता है घर में कोई अच्छा काम नहीं होता, कोई हंसी का समय नहीं आता, खुशी का समय नहीं आता, लड़ाई झगड़े अधिक रहता है, तो वहां पे जो हवन में जो लकड़ी प्रयोग होती है वो होता है अशोका के पेड़ की। वो अशोका के पेड़ की लकड़ी से होम करने से, हवन करने से, अनुष्ठान करने से देवी महामाया कामाख्या देवी प्रसन्न होती है और सभी प्रकार के जो है रोग शोक घर से चले जाते हैं। उसके बाद मूल रूप में आती है खैर की लकड़ी। खैर की लकड़ी का जो प्रयोग होता है वो तांत्रिक अभीष्ट सिद्धियों के लिए होता है। कोई भी देवी देवता जो प्रकट ना हो रहा हो उसके आवाहन आमंत्रण के लिए खैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर हमारे वाम मार्ग के अंदर खैर की लकड़ी से हवन होता है और लगभग हर देवी देवता इस लकड़ी के अंदर जागृत होता है, खैर की लकड़ी के अंदर, तो ज्यादातर खैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है इसके लिए। वहीं अगर किसी के ऊपर पितृ बाधा देखो, मतलब पितृ जिसके रुष्ट हो गए हो और पितृ जिसके मान ना रहे हो, तो वो ज्यादातर लोग पितरों की प्राप्ति के लिए अर्थात पितरों की प्रसन्नता के लिए वो पीपल की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। ये जो लकड़ी है ये कुछ हमने एकत्र करके रखी हुई है उसी किट के अकॉर्डिंग, तो ये पीपल की जो लकड़ी होती है ना, पीपल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगर जिसके पितृ बाधा देखो या फिर जिसपे शनिश्चर की साढ़े सती लगी हुई हो, उतरने का नाम ना ले रही हो, या फिर जिसके संतान रुक गई हो, संतान ना जिसके उत्पन्न हो रही है, पुत्र कामिष्टि जो यज्ञ जो भगवान रामचंद्र के समय पे भी राजा दशरथ के द्वारा करवाया गया था, तो और दशरथ राजा अखा च ना लाइट पै गया, अखा रेड भी आ रही ने, हुण मान लाइट पर हुण फेस, हाँ हुण बहुत सही है पहला नालो। तो दशरथ राजा के द्वारा और राजा जनक के द्वारा, दशरथ राजा के द्वारा जो है मतलब ये हवन करवाया गया था, और दशरथ राजा के कारण ही जो है मतलब पहला पुत्र कामिष्टि यज्ञ करवाया गया था, तो उसमें पीपल की लकड़ी का प्रयोग हुआ था। भगवान श्री रामचंद्र जी की उत्पत्ति भी इसी हवन के द्वारा करवाई गई थी, वो मूल रूप में पीपल की पेड़ की लकड़ी के माध्यम से होता है।
अब आ जाती है बात अपामार्ग के वृक्ष की। अपामार्ग में मूल रूप में तांत्रिक सिद्धियों के लिए, भूत प्रेत की सिद्धियां, डायन डाकनी डामर सिद्धियों के प्रयोग के लिए मूल रूप में अपामार्ग के पौधे और उसकी जड़ का प्रयोग किया जाता है हवन करने के लिए। मूल रूप में अपामार्ग को आपको दिखा देते हैं, ये जो होता है ये अपामार्ग की लकड़ी होती है, इसका प्रयोग मूल रूप में भूत प्रेत बाधा को दूर करने के लिए तांत्रिक साधनाओं में ज्यादातर किया जाता है। फिर आ जाता है कुशा की लकड़ी का प्रयोग। कुशा जो होता है वो मूल रूप में ऐसा दिखाई देता है आपको, इसकी जो लकड़ी होती है बिल्कुल छोटे छोटे सरकंडे से होते हैं, लेकिन इससे हवन करने से ना जो है बड़े बड़े काम होते हैं। अगर किसी के जीवन में केतु बाधा से कोई परेशान हो, केतु जिसका खराब हो गया हो, प्लैनेट केतु, तो वो मूल रूप में इस अपामार्ग इस जो है कुशा की लकड़ी से प्रयोग करते हैं। जिसके पितर भी जिसके बिचर चुके हों, अतृप्त रूप में अगर हो गए हों, तो वो इसका प्रयोग करता है मूल रूप में। कुशा की लकड़ी का वो प्रयोग होता है, प्रयोग मूल रूप में करता है। फिर आता है बरगद के पेड़ की लकड़ी का प्रयोग। जो बरगद का जो वृक्ष होता है वो मूल रूप में प्रेत साधनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, और पैशाचिक साधनाओं के लिए, डाकनिक साधनाओं के लिए, और जो ब्रह्म राक्षस की जो साधना होती है या इतर योनि की कई शक्तियां होती हैं उनकी साधनाओं के लिए भी जो है पीपल के पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है, और हवन इनके जो होते हैं पीपल के पेड़ की लकड़ी होते हैं। फिर आ जाती है मूल रूप में चंदन के पेड़ की लकड़ी। चंदन भी दो प्रकार के आते हैं, एक तो श्वेत चंदन होता है, एक रक्त चंदन होता है, और एक पीताम्बर चंदन भी होता है। तीन प्रकार के होते हैं वैसे तो। ये जो श्वेत चंदन जो होता है वो शमशान साधना के लिए प्रयोग होता है। ज्यादातर आपने लोगों में देखा होगा कि जो मुर्दा होता है मुर्दे की छाती के ऊपर घी में डुबा करके इसको रखा जाता है, इससे बुरी आत्मा दूर रहती है चंदन की लकड़ी से। जब शमशान में शमशान जगाया जाता है, शमशान को भी चंदन की लकड़ी के द्वारा कीला जाता है और चंदन की लकड़ी के द्वारा ही जगाया जाता है। शमशान साधना करने के लिए मूल रूप में चंदन की लकड़ी का प्रयोग होता है। अब आ जाता है रक्त चंदन की लकड़ी का प्रयोग। ये कामाख्या माई की साधना में प्रयोग होता है। माता कामाख्या के जो हवन होते हैं वो रक्त चंदन की लकड़ी के ऊपर किए जाते हैं। और वहीं पीताम्बर चंदन जो होता है वो पीला चंदन होता है, वो केसरिया चंदन भी इसको बोलते हैं। इसका प्रयोग मूल रूप में माई पीताम्बरा और माई लक्ष्मी की आराधना के लिए किया जाता है मूल रूप में। फिर आ जाता है कमल काकड़ी की लकड़ी। कमल काकड़ी की जो लकड़ी आपने देखा होगा कि बाजार में भी मिलती है, उसके कुछ लोग सब्जी भी बना के खाते हैं, तो कमल काकड़ी की लकड़ी का जो प्रयोग होता है दशवीं महाविद्या महामाई कमला की आराधना के लिए, साधना के लिए जो है उसका हवन में प्रयोग किया जाता है उसकी लकड़ी का। इसी के साथ अगर जिसके जीवन में लक्ष्मी स्थिर ना हो, अतृप्त रूप में हो लक्ष्मी उसकी, या लक्ष्मी टिकती ना हो, या श्री वृद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है मूल रूप में। जो खुद जो है कमल कमल काकड़ी जिसको बोला जाता है, कमल की जो लकड़ी होती है उसी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आ जाता है कीकर की जो लकड़ी होती है उसका प्रयोग। कीकर की जो लकड़ी होती है ये मूल रूप में प्रेत साधना के लिए प्रयोग की जाती है। प्रेत साधना के लिए, पिशाच साधना के लिए, भूत साधना के लिए, डामर साधनाओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब इनका आमंत्रण करना होता है, हवन करना होता है, तो कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ में जो आती है फिर जपा कुसुम की लकड़ी का प्रयोग। काली साधना के लिए मूल रूप में जपा कुसुम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है ज्यादातर। फिर आ जाती है नीम की लकड़ी का प्रयोग। नीम की लकड़ी का प्रयोग जो होता है ये ज्यादातर दशवीं महाविद्या माँ कमला और जो है माता भुवनेश्वरी की साधना और काली जी की साधना के लिए भी इसका प्रयोग मूल रूप में किया जाता है। मतलब इसकी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। माँ काली की साधना में तो बहुत ज्यादा इसका फलदायी होता है। जो नीम की जो लकड़ी होती है बहुत फलदायी होती है माई काली की साधना में, अच्छा रहता है। मतलब जो है इसका प्रयोग बहुत अच्छे से जो है अगर इसका किया जाए तो इसकी लकड़ी से बहुत जल्दी अभिष्ट कार्यों की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसकी लकड़ी से यदि होम किया जाए, हवन किया जाए। और इसी के साथ में जो हरिद्रा की जो लकड़ी होती है जहाँ हल्दी लगते हैं, हल्दी का जो झाड़ होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। वैसे तो हल्दी जो लगती है वो जड़ की तरह लगती है, उसके ऊपर पत्ते होते हैं बड़े, लेकिन जब वो सूख जाते हैं तो उसकी लकड़ियाँ बन जाती हैं बिल्कुल सख्त सख्त। और इसको जब तोड़ लिया जाता है और इसको तोड़ने के उपरांत जब इसका अनुष्ठान किया जाता है हरिद्रा की लकड़ी का, ये मूल रूप में माँ पीताम्बरा की साधना के लिए प्रयोग किया जाता है। पीताम्बरा माई की कृपा से और माँ विपद तारिणी चंडी की कृपा से जो है जल्दी ही इसमें अभिष्ट कार्यों की सिद्धि प्राप्त होती है इसके अंदर मूल रूप में। काले धतूरे की जो लकड़ी होती है, काले धतूरे की जो लकड़ी का प्रयोग होता है वो मूल रूप में डाकनी साधना के लिए प्रयोग किया जाता है। डाकनी की जो विशेष रूप में साधना कर रहा होता है तो उसको काले धतूरे की जो लकड़ी होती है और उसकी जड़ होती है उसके द्वारा होम करना चाहिए, हवन करना चाहिए।
ठीक उसी तरीके से जो श्वेत आर्क होता है, श्वेत आर्क की लकड़ी का प्रयोग होता है गणपति साधना के लिए। इसकी जड़ में गणेश जी का वास होता है, लेकिन इसके टहनियों में गणेश जी के लिए अभिष्ट कार्यों की सिद्धि के लिए साधना करनी पड़ती है। इसकी जो लकड़ी होती है उसमें गणेश जी का संपूर्ण रूप में वास होता है। जब गणपति की सिद्धि प्राप्त करनी हो, गणपति के द्वारा विद्धि और सिद्धि की प्राप्ति करनी हो मूल रूप में, तो इसके लिए जो है खुद जो है श्वेत आर्क की जो लकड़ी होती है उसका विशेष रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। मंदार की जो लकड़ी होती है, मंदार की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है मूल रूप में शैव साधनाओं में, भगवान शंकर की आराधना के लिए जो है मंदार की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, और जो है बहुत फलदायी होता है इसकी लकड़ी से हवन करना। फिर आ जाता है पारिजात की लकड़ी। पारिजात की जो लकड़ी होती है वो मूल रूप में माता नील तारा की साधना के लिए, आराधना के लिए जो है विशेष रूप में प्रयोग होती है। माँ नील तारा, नील सरस्वती और भगवती उच्चिष्ट चंडालिनी की साधना बहुत फलदायी इसमें होती है। फिर उसके बाद आता है विल्व पत्र की लकड़ी। जो विल्व का जो पेड़ होता है उसकी जो लकड़ी होती है वो मूल रूप में तारापीठ के महाश्मशान में चलती है, और वहाँ पे आराधना करने से, खुद हम भी तारापीठ जब गए थे श्मशान पूजा करने के लिए, तो वहाँ पे हमने श्मशान में देवी का आमंत्रण हमने खुद जो है वहाँ पे विल्व की जो है लकड़ी से किया था, और विल्व की लकड़ी से जो है होम करने से श्मशान साधना बहुत जल्दी जो है जागृत होती है। श्मशान साधना में बहुत जल्दी आपको फायदा होता है जो विल्व की जो लकड़ी होती है, विल्व के लकड़ी से जो है पूजा करने से। फिर आ जाता है कदम्ब का पेड़। कदम्ब का जो पेड़ होता है ना, जो काला कदम्ब होता है, कदम्ब भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है श्वेत कदम्ब, एक होता है काला कदम्ब। काला कदम्ब की जो लकड़ी होती है ना मूल रूप में ये होता है सब काली विद्याओं के लिए, कोई भी काली विद्या हो, जो काली कुल की महाविद्याएं होती हैं, जिसमें पांच महाविद्याएं आती हैं, माता धूमावती, माँ काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्तिका और भगवती भैरवी। ये पांच महाविद्याएं होती हैं, इन्हीं में किसी की भी अगर आप अनुष्ठान आप कर रहे हो, हवन कर रहे हो, तो इसमें काले कदम की लकड़ी से करनी चाहिए। और जो श्री कुल की जो महाविद्या होते हैं वो श्वेत कदम की लकड़ी से भी उसका होम किया जा सकता है। इसी के साथ जो केतनानी की जो लकड़ी होती है वो मूल रूप में भगवान श्री काल भैरव जी की हवन में, होम में प्रयोग की जाती है। केतनानी की जो लकड़ी होती है, केतनानी की लकड़ी से होम करने से काल भैरव जी की हवन, जिस समय होम किया जाता है तो काल भैरव जी की अभिष्ट सिद्धि प्राप्त होती है, और विशेष नक्षत्रों में अगर किया जाए तो और ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसी के साथ जाति का जो वृक्ष होता है, जाति के वृक्ष से जो है होम करने से मूल रूप में हनुमान जी की सिद्धि, और जो यति होते हैं या गतिमान जो होते हैं उनको जो है अपने काबू में किया, जैसे जो वायु देवता जैसे हो गए, या फिर जो अचल स्वरूप में, चल अचल स्वरूप में जैसे परियां हो गया, जैसे हमारे यहाँ पे पिशाच बोले गए, या फिर खुद जो है डाकनी हो गया, योगिनी हो गया, वर्णिनी हो गया और लंकिनी हो गया, इनकी जो है साधना के लिए इस जो है इसमें हवन किया जाता है, इसकी लकड़ी से, जति की लकड़ी से प्रयोग किया जाता है। सूर भी की जो लकड़ी होती है, सूर भी की लकड़ी के से जो है हवन करने से अभिष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं मूल रूप में। जो नगर में विराजमान, जो नगर के अंदर जितनी भी शक्तियां होती हैं उन सबको अपने काबू करने के लिए, वन में विराजमान जो जंगली शक्तियां होती हैं उनको काबू करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सौभाग्यदा की जो लकड़ी होती है, जो सौभाग्यदा का जो वृक्ष होता है, सौभाग्यदा का वृक्ष जो होता है उसकी लकड़ी से हवन करने से मूल रूप में साधक को कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिसमें से कुछ हम जो है हाईलाइट आपको कर देते हैं। जैसे अगर कोई साधक जिसने छलावा नहीं देखा जीवन में, एक राक्षसों में एक वर्णन आता है छलावा नाम करके, जो किसी भी स्वरूप को अपने अनुसार बदल सकता है और कैसा भी नारी नर किसी का भी रूप ले सकता है, लोगों को सुंदर रूप से अट्रैक्ट कर सकता है, लोगों को उसके साथ जो है बुरा कर सकता है, उसको सिद्ध करने के लिए मूल रूप में इससे हवन करना पड़ता है। ये जो लकड़ी होती है ये बहुत शक्तिशाली होती है मूल रूप में ऐसी साधनाओं के लिए, तो ये शक्तियां जो होती हैं बहुत विशेष रूप में फायदेमंद होती है। फिर आता है खुमानी की लकड़ी। खुमानी का जो पेड़ होता है ना, जो स्नो पाइन जिसको आप बोलते हो ना, स्नो पाइन का जो पेड़ होता है ये मूल रूप में एंजल्स की को सिद्ध करने के लिए, खुद एंजल्स को परियों की साधना के लिए इसमें जो इससे जो है हवन करना पड़ता है स्नो पाइन की लकड़ी से, जिसको आप चीड़ की लकड़ी भी बोलते हो, चिनार की लकड़ी भी आप बोलते हो, और जो है खुमानी की लकड़ी भी बोलते हो। ये दो तीन पेड़ ऐसे होते हैं जो मूल रूप में हिमालय के जो है बर्फीले इलाकों में मिलते हैं, और वहाँ पे इनकी
द्वारा हवन करने से बहुत अभीष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं, शक्तिशाली जो है कृपा प्राप्त होती है देवी महामाया की, और देवियों की विशेष कृपा आप लोगों के ऊपर होती है। इसी के साथ में कई ऐसी शक्तियां जो है, कई ऐसे वृक्ष होते हैं जिनका जो है जीवन में विशेष रूप में प्रयोग होता है तंत्र साधनाओं के लिए। हम सबका तो जो है यहाँ वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ का हमने यहाँ डिफाइंड किया है कि जो साधक विशेष रूप में इन कामनाओं की पूर्ति करने के लिए विशेष किसी अनुष्ठान को यदि कर रहा है तो उनको इन विशेष रूप में इन लकड़ियों का प्रयोग ही करना पड़ता है। यदि वो किसी अन्य लकड़ी के साथ किसी विशेष अनुष्ठान को प्रयोग करे तो उस अनुष्ठान में उसको कभी सफलता नहीं मिलती है, चाहे वो संपूर्ण जीवन भर भटकता रहे उस अनुष्ठान को लेकर के, उसको कभी सफलता नहीं मिलती। उसको सफलता तब ही मिलती है जब वो संपूर्ण रूप में इन जो है वृक्षों का प्रयोग करता है और इन वृक्षों के द्वारा की जाने वाले हवन और विशेष रूप में हवन सामग्रियों का प्रयोग करता है, तब जाकर के उनको इसके रूप में जो है मतलब संपूर्ण रूप में उनको सफलता प्राप्त होती है। आज हमने हवन की लकड़ियों का हमने बात किया है इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम हवन की सामग्रियों की बात करेंगे कि कौन सी विशेष सामग्री को मिलाने से या किस लकड़ी के साथ मिलाने से, मर्ज करने से और उस लकड़ी के ऊपर आहुति देने से किस दिशा से कौन सी अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है, और कौन कौन सी सामग्रियां हवन में प्रयोग होते हैं, क्या सामग्री को मिक्स करने से ये प्राप्त होती हैं, क्या क्या सामग्री किस मात्रा में प्रयोग करने से प्रयोग होती हैं, शक्ति के कौन से रूप जो है जागृत होते हैं, उनके बारे में हम जो है अगले विषय में हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो को जल्दी ही आपको मिलेगा। जय माता दी।